बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर सियासत तूफान पर है। जहां एक ओर बीजेपी खुलकर बाबा के समर्थन में बैटिंग कर रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन ने बाबा के बॉयकॉट का मोर्चा संभाल लिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बाबा के जरिए बीजेपी 2024 के लिए हिंदुत्व का पाठ पढ़ाकर महागठबंधन के जातीय समीकरण को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इन अटकलों के सामने आते ही बिहार में सियासी पारा उफान पर आ गया। बता दें, बागेश्वर बाबा बिहार में 5 दिन के दौरे पर हैं और ये दौरा आज यानी 17 मई को खत्म होगा। बिहार दौरे के दौरान बाबा बागेश्वर का जोरदार स्वागत हुआ। हजारों की संख्या में लोग बाबा की एक झलक पाने के लिए तपती दोपहरी में बेकरार दिखे। बाबा को सुनने के लिए पटना में लाखों लोगों की भीड़ जुटी है। गौर करने वाली बात तो यह है कि वैसे तो बाबा का यह कार्यक्रम धार्मिक है, लेकिन जिस तरह से इसमें राजनीति का तड़का लगा, उसके बाद से ये सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर बाबा बिहार आए क्यों हैं। इसको लेकर दोनों पक्षों के नेताओं की ओर से बयानबाजी भी तेज हो गई। मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा, हम सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं, हम उन्हीं के आधार पर काम कर रहे हैं। आजादी की लड़ाई हुई और कौन आजादी की लड़ाई लड़े थे, जो लोग लड़ करके जो बना संविधान बना सब लोगों की सहमति से, और जो बापू ने जो कुछ भी किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और सब लोगों ने किया, तो जो नामकरण है, अब उस नामकरण को ना स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद कुछ बदलना चाहिए। हमको तो आश्चर्य होता है कि आजकल पता नहीं है, और ये सब की प्रचार इसलिए हो रहा है कि अब वहां वाले जिस तरह से बिहार देश भर के मीडिया पर जिस तरह का वो कब्जा किए हैं, तो बातें नहीं आता। इसको कोई बताता है क्या है बिहार, देश का नाम क्या है, आप जरा बताइए, तो देश का नाम है उसको बदलिएगा। वही नीतीश कुमार के अलावा मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का भी बयान सामने आया। बाबा के दौरे पर बात करते हुए लालू का कहना था कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का सफाया हो गया है, बाबा कौन चीज है, वो कोई बाबा है। महागठबंधन के इन हमलों पर बीजेपी की ओर से बाबा का बचाव किया गया। बाबा के समर्थन में खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मैदान में उतरे और कहा, राज्य के शिक्षा मंत्री को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया। बाबा बागेश्वर जो सनातन धर्म के संरक्षक हैं, उन्होंने अपना जीवन देश की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। यदि आपने उन्हें छूने की हिम्मत की तो आपको नुकसान होगा। फिलहाल बाबा को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। बिहार में बाबा को लेकर राजनीति दो हिस्सों में बटी है, वो इसलिए क्योंकि बाबा के इस दौरे ने बीजेपी को बिहार में फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दे दिया। साथ ही बिहार के वोटरों को ये मैसेज गया है कि पार्टी को बाबा का समर्थन है, जिससे बीजेपी को हिंदू वोटरों को एकजुट करने में मदद मिलेगी। बिहार की राजनीति सालों से जाति के खांचे में बटी है। हर जाति का अपना एक नेता है। चुनाव में हर गठबंधन जीत के लिए जातीय नेताओं का साथ और समर्थन चाहता है। फिलहाल बिहार की जातीय राजनीति में महागठबंधन बीजेपी पर भारी है, और बीजेपी जब तक इसमें महागठबंधन को कमजोर नहीं करती, तब तक 24 की लड़ाई मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी बाबा के सहारे जातीय समीकरण साधने में जुटी है, क्योंकि बाबा जिस तरह से अपने प्रवचनों में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं, ऐसे में अगर इन नारों के जरिए बाबा ने बीजेपी के पक्ष में वोटरों को एकजुट कर दिया, तो हिंदुत्व के नाम पर वोटर एकजुट हो सकते हैं। लिहाजा बीजेपी इस तर्ज पर बाबा का समर्थन करने में जुटी है। हालांकि बीजेपी के समर्थन से बिहार में बाबा बागेश्वर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।